हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रजा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल द रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास पैनासोनिक का इन्वर्टर एसी है और उसमें H28 एरर आ रहा है तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं, उस एरर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल रजा रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस टाइप की जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ दिक्कत है, फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है आपको, या कुछ मुझसे सॉल्यूशन चाहिए, मुझसे कुछ सजेशन चाहिए, मुझसे कुछ बात करनी है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी, आप उसमें जाइए गाइस, मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे पैनासोनिक इन्वर्टर से में H28 अगर एरर आ रहा है तो आपका जो आउटडोर यूनिट है उस पर कंडेंसर कॉइल में एक सेंसर लगा हुआ है, उस सेंसर को आपको करना यह है गाइस कि उसी कनेक्टर को निकाल के फिर से आप लगाइए। हो सकता है मशीन ऑन होने पे वो सेंसर वर्क करना चालू कर दे, या हो सकता है कि आपके यहाँ चूहे की तादाद ज्यादा है और चूहे ने उस वायर को ब्रेक कर दिया तो भी H28 एरर आएगा। और अगर वायर सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी H28 एरर आ रहा है तो आपको इस सेंसर को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद जो H28 एरर है वो पूरी तरीके से हट जाएगा। सो गाइस, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कर दें।